ना पहाड़ों का नज़ारा अभी कुछ ऐसा है हमारे गांव में। फिलहाल ये हमारा बगीचा है जहां पे मैं अभी घूम रहा हूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रहे हैं, बट ब्लॉग बनाना सुबह से ही शुरू हो गया था। बाय बेटो, आराम आराम जाओ। कैसे बैठ गए हो राम काका, क्या हाल चाल? अरे तो पच्ची बैठो, काटी में लग रही थी पहली करनी की स्प्रे। तो अभी कर रहे हैं किलो फोन करो, बहुत बतेरा बंद करिए उसे। चलो भाई, और क्या होता, आप कुछ नहीं, कपड़े नहीं ना, कपड़ों में पोंछ दें, मेरे भी ऐसे हैं। तो फिलहाल टायर पंचर हो गया था हमारा, अभी ठीक कर दिया। चलो भी चलो बैठो यार। चलो आराम आराम से, वो बना लिए यार भाई, रुक जा पहले पत्थर हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, दुई लग रही। अभी एक्चुअली क्या सीन हो गया था कि गाड़ी का टायर बैठ गया यहाँ पे, तो कुलदीप का मेरे को कॉल आया कि टायर बैठ गया जल्दी से आ जाओ, तो अकेले ही था। फिर रामू काका लोग तो बाद में आए तो थोड़ा एक हेल्प हो जाती है, तो फिलहाल टायर चेंज कर दिया और अब कुलदीप चला गया। हाथ ऐसे हो गए देख रहे हो टायर चेंज करने के बाद, कुछ इस तरीके से। चलो जो भी है काम हो गया। फिलहाल यहाँ पर जल रहा है सारा कूड़ा, यानी कि जितना भी ये बेकार का कूड़ा है ये सब जला देता है, धुआं भी हो जाता है। और गाय को फिलहाल मैं पिला रहा हूँ पानी, पानी गौरी पी नहीं रही है, देख रहे हो गौरी के नखरे ना हजारों हैं हजारों, और कृष्णा पी रही है चुपचाप पानी, वो सही तरीके से पीते हैं। आ तेरे को तो नखरे नखरे ही चाहिए हर वक्त है। अब ना हमारी ये छोटी वाली बच्चे भी पानी पीने लग गई है, ये देखो पीती तो काफ़ी टाइम से है लेकिन अब अच्छे से पी रही है। हो गया बस हो गया। यहाँ पे अभी ना मस्त धूप आई हुई है, तो फिलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में है आलू बड़ी की सब्जी, मलाई दूध और रोटियाँ। फिलहाल अब जो खेतों का दृश्य है ना वो कुछ ऐसा दिखने लग गया है। इन फूलों को अभी आप जितना ज़्यादा फील करोगे ना उतना अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। पहाड़ों का नज़ारा अभी कुछ ऐसा है हमारे गांव में। बहुत दिन हो गए जब ये प्याज को पानी नहीं मिला है, तो घर वाले भी बाद में देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, तो फिलहाल मैं पानी लगा देता हूँ। प्याज में लगाई हुई है फिरकी जो अभी घूम नहीं रही है, या तो इसका प्रेशर नहीं बन रहा या तो ये घूम नहीं रही है, बट ये जब घूमेगी ना तो बहुत अच्छे से फोकस हो पाएगा। अब मैं पाइप से अगर इसको घुमा रहा हूँ तो थोड़ा सा घूम रही है फिर नहीं घूम रही है, पता नहीं उसको क्या हो रखा है। चलो अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गई है, घूमने लग गई है बस, लेकिन थोड़ा और तेज़ घूमना चाहिए। चलो सही हो गया, घूम ही रही है, इतना भी चलेगा। तो अब प्याज को थोड़ा पानी डाल देते। जो एक फुलारी गाना आता है ना तो उनमें इन्हीं फूलों का जिक्र किया गया है, तो वसंत ऋतु का आभास दिलाते हैं ये फूल और आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। ये पूरी दीवार है और दीवार के पूरी दीवार में यही फूल लगा हुआ है।
एक्चुअली, और स्टार्टिंग में अभी बहुत देर की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं हूँ खेत में और कंटिन्यू खेत पे ही काम चल रहा है। मेरे डब्बू और ब्लैक यहाँ पर बैठे हुए धूप सेक रहे हैं और कंटिन्यू सामने गौशाले की तरफ देख रहे हैं कि घर वाले कब तक आएंगे, उसका इंतजार हो रहा है। और पुलम में बहुत अच्छा से फूल खिल गए। ये हमारा गोला नाशपति का पेड़, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रखी है। और ऊपर को देखो, मकान के पीछे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरे के पूरे पूरा बगीचा वाइट हो रखा है। मौसम आज बहुत ही ज़्यादा साफ हो रखा है, कल जो बादल दिख रहे थे उन्होंने कुछ भी हरकत नहीं करी और सीधे चले गए। और फिलहाल यहाँ पर सूरज देवता के प्रचंड दर्शन हो रखे हैं, क्योंकि गर्मी का एहसास होने लग गया अब, और क्योंकि बारिश काफ़ी समय से नहीं हुई है जिसकी वजह से अब गर्मी बहुत तेज़ बढ़ गई है। और फिलहाल ये हमारा बगीचा है जहाँ पर मैं अभी घूम रहा हूँ। अभी सिर्फ इस वाले खेत में जो है ना बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है, कुछ अभी नहीं खिले हुए बट फिलहाल और खेतों से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है। और वैसे ही सेम कंडीशन अभी नीचे को एकदम नहीं हो रखा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली एरिया पूरा स्लाइड हो गया था तो जिसकी वजह से अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है पेड़ वगैरह। और यहाँ नीचे सारे बगीचे में फ्लावरिंग हो चुकी है, यहाँ आगे पुलम में और गोला नाशपति सब में। आजकल गाँव में ना मेरे दिन अकेले ही कट रहे हैं, तो मैं पूरे दिन भर अकेले ही रहता हूँ। शाम को दीदी आ जाती है या कुलदीप आ जाएगा या किसी ना कोई आ ही जाएगा, एक दो लोग हो ही जाते हैं हम लोग, तो रात शाम को ज़रूरी चाहिए कोई ना कोई साथ में। और दिन में तो आप अकेले भी सफ़र कर जाओगे गांव के अंदर,